जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार, आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078 मास आषाढ़ पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, वार मंगलवार, नक्षत्र अनुराधा, योग शुक्ल, राहु काल 3:53 PM से 5:36 PM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 12:00 से 12:55 तक है। दिशाशूल उत्तर, यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मंगलवार का दिन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। काम के सिलसिले में आपके अधिक प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। आपका बिजनेस अच्छे मुनाफे में रहेगा। उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना पड़ेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय, सर्पाकार चांदी की अंगूठी धारण करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। वृषभ राशि, आप खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कोई खास काम हाथ में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बच्चे अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ सोचेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखें, बुजुर्गों पर ध्यान दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय, अपने प्रेमी व प्रेमिका को सफ़ेद गुलाब भेंट में देने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मिथुन राशि, आप अपनी प्रतिभा से भी सभी को चकित कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस मजबूत होगा। विवाह संबंधी चर्चा हो सकती है। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, सफ़ेद फूल कुछ पैसे सहित जल में प्रवाहित करने से सेहत बनी रहेगी। कर्क राशि, मंगलवार आपके लिए कई बदलाव साथ ला रहा है। काम के सिलसिले में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापार के क्षेत्र में लगातार तरक्की हासिल करेंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सफलता हासिल होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय, सतनाजे की रोटी बनाकर पक्षियों में डालने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सिंह राशि, आपका दिन आश्चर्य से भरा रहेगा। किसी सकारात्मक व्यक्ति से आपकी लंबी बात हो सकती है। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में आपकी भूमिका अहम रहने वाली है। कारोबारी मंदी से छुटकारा मिलेगा। आपके बॉस आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय, घर में पौधों के गमलों में या बाथरूम में हरे पत्थर के दाने या हरा मार्बल रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कन्या राशि,
अपने कौशल में बढ़ोतरी होगी। भविष्य की प्लानिंग के लिए समय उपयुक्त है। आर्थिक क्षेत्र में सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न हो सकता है। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, गरीबों में केसर निर्मित मीठा हलवा बनाकर बांटने से लव लाइफ में प्यार बना रहेगा। तुला राशि, मंगलवार को आपकी प्रसन्नता एवं उत्साह में वृद्धि होगी। बीमा, ट्रैवल या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। वित्तीय स्तर पर अच्छे मैनेजमेंट का फायदा मिलेगा। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय, किसी के विवाह या मंगल काम में तन मन धन से मदद करना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वृश्चिक राशि, मंगलवार का दिन आपके लिए सुखों की पूर्ति करने वाला रहेगा। दिन आपके लिए पैसों को देने वाला होगा, जिससे आपको खुशी होगी। अपनी शान शौकत के लिए धन खर्च करेंगे। आपका मकान खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। दिमाग की बजाय दिल से काम लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय, कच्चा कोयला, काले तिल, काले या नीला रंग के ऊनी वस्त्र किसी जमादार को देने से नौकरी व बिजनेस में सफलता मिलेगी। धनुराशि, काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको दूसरे लोगों से कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। पुश्तैनी कामों में ज़्यादा फायदेमंद परिस्थितियां बन रही हैं। इनकम के मामले में काफ़ी भाग्यवान रहेंगे। समाज में अच्छे काम करने से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, गणेश चालीसा व आरती का पाठ करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि, पूरे दिन आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आज स्थिति आपके अनुकूल रहने की उम्मीद है। फुटकर व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा। महिलाएं शॉपिंग करने जा सकती हैं। ऑफिस में काम करते समय बचपन की कोई याद ताज़ा हो सकती है। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए जलन, डाह और ईर्ष्या से बचें। कुंभ राशि, दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। लोग जरूरत के समय में आपके पास सलाह लेने आएंगे। व्यापार से जुड़े व्यक्ति खूब तरक्की करेंगे। भविष्य की कार्य योजनाओं पर काम शुरू कर दें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन लगभग सामान्य ही रहने वाला है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफ़ेद। उपाय, पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए शराब ना पिएं, क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह है और तामसिक वस्तुओं से चिढ़ता है। मीन राशि, करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी। आपको अपनी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में अपने विचारों को ही सबसे ऊपर रखें। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। किसी बात को लेकर असमंजस में रह सकते हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, मिट्टी की गुल्लक में सिक्के डालें और भरने पर किसी तीर्थ या बच्चों को दान में देने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।